कि आप लोग चिंता नहीं करें, घबराए नहीं। मैं पद से इस्तीफा दिया हूँ, काम से इस्तीफा नहीं दिया हूँ। और जो मेरा काम है, जो वर्क है, बहुत से हमारे भाई इतने मैसेज किए हैं, इतने कॉल आए हैं, और मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाया हूँ, क्योंकि मेरे मन में, मेरे अंदर बहुत तरह की जो द्वंद चल रहा है, यही कारण है कि मैं किसी से किसी का कॉल नहीं उठा पाया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जहाँ तक प्रश्न है, हमारे जो भी अभ्यर्थी जो वो बहुत तरह के मैसेज कर रहे हैं कि सर आप इस मैदान में हम लोगों को छोड़ करके चले जा रहे हैं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए। इन भी प्रकार के जो मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2017 से आप लोगों से जुड़ा हुआ। कोई ना कोई कारण होता है, किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण होता है। मैं लाइव उन कारणों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उससे हमारी एकता भंग होगी और जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमने इस्तीफा क्यों दिया। मैं कारण को इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि लाइव ये बताना मेरे लिए उचित नहीं है। अगर मुझसे कोई बैठ करके बात करना चाहता है या टेलीफोनिक बात करेगा, मैं सारी बातों को बता दूंगा कि इसमें क्या मैटर है, क्या नहीं है। और हमारी जो बात, पहले पूरी बात को सुन लिया जाए, उसके बाद तब हमें कहा जाए कि हाँ आप दोषी हैं, तो आप जो कहना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं, आज से नहीं। देखिए, बिहार में ये जो हमारी सरकार है, हमारी इम्यूनिटी पर और हमारी एकता पर ये बहाली खोली। और मिश्रा जी पुराना आदमी है, ये जानते हैं शुरू से, 2017 से हर परिस्थिति कोई जान रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में जब 10 जून का जो आंदोलन हुआ था, उसके पहले बिहार में दो मात्र संगठन थे जो बिल्कुल ही एक दूसरे के प्रति एक अच्छा संबंध नहीं था। एक अभ्यर्थी संघ था, एक पहाड़ी मोर्चा था। और हम लोग अलग अलग कई बार आंदोलन भी किए, पहाड़ी मोर्चा की तरफ से भी कई बार आंदोलन हुआ, अभ्यर्थी संघ की तरफ से भी कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन हम सरकार को बहाली खुलवाने में सफल नहीं हो पा रहे। तो उसमें अंत में हम लोगों ने यह फैसला किया, जब हम लोग अलग अलग मैदान में आकर के, गर्दनी बाग में आकर के, और हम अलग अलग करके जो आंदोलन कर रहे हैं और हमारी भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रही है, जिसके कारण सरकार पर दबाव नहीं बन रहा है और सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है, तो हम दोनों संगठन के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी थे, मैं उनसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैंने बात किया, मैंने कोशिश की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए, जो अगर हमारे और आप दोनों संगठन के बीच में अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर अड़चन है, तो उसको दूर किया जाए और एक मंच पर आया जाए। पहली बार मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, दोनों संगठन के वरिष्ठतम पदाधिकारियों को, और खासतौर से मैं रवि जी को और ये आनंद को मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोनों ने हमारी बात को माना और कहा कि नहीं सर, ठीक है, आप प्रस्ताव कर रहे हैं, हम उसमें तैयार हैं और हम बिल्कुल आपको हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। तो संगठन बिहार में पहली बार एक मंच पर आए और देखिए उसका प्रतिफल क्या हुआ कि तुरंत जो बहाली बिल्कुल सरकार की कहीं डिक्शनरी में नहीं था, वो सरकार बिल्कुल चाह रही थी कि हम इस बहाली को 2022-23 में शुरू करें और 24 तक हम खींच कर ले जाएं। उस बहाली को मजबूरन उनको 48 घंटा का अल्टीमेटम हम लोगों से लेकर के उस बहाली को खोलने का काम किया। मैं सभी अभ्यर्थियों से पूछना चाहता हूँ, मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर उस दिन दोनों संगठन एक मंच पर नहीं आता तो ये बहाली नहीं खुलती, और जब बहाली नहीं खुलती तो क्या आज चयनित और अचयनित हम लोग होते? नहीं होते, क्योंकि बहाली नहीं खुलती तो हमारा कौंसलिंग कहाँ से होता, हमारा चयन कहाँ से होता, और जो हमारा जो चयन नहीं हुआ वो अचयनित कहाँ से होते? कोई नहीं होता।
वही परिस्थिति आज हम लोगों के सामने पड़ी हुई है। मैं कभी भी डिवाइड करके अलग 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 करके मैं कोई भी संगठन में कोई भी आंदोलन में मैं भाग नहीं लिया हूँ। आज तक मैं कोशिश किया हूँ कि दोनों को मिला कर मेरा एक ही लैंग्वेज कहना है। और अगर विशेष जो बातें अगर हम करनी है तो मैं एक एक चीज मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और इसमें मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो हमें लगता है कि सभी के हित में काम आए। خبر خوش درباره عیسی مسیح پسر خدا در کتاب اشعیای نبی نوشته شده است: اینک پیام آور خود را پیشا پیش تو میفرستم که راحت را مهیا خواهد کرد، ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد راه خداوند را آماده کنید، حریف های او را هموار سازید. پس یحیای تعمید دهنده در بیابان ظهور کرده به تعمید توبه برای آمرزش گناهان موعظه میکرد. اهالی دیار یهودیه و مردمان اورشلیم همگی نزد او میرفتند و به گناهان خود اعتراف کرده در رود اردن از او تعمید میگرفتند. یحیای جان از پشم شتر برسند کرد و کمربندی چرمی بر کمر میبست و ملخ و اثر صحرایی میخورده. او موعظه میکرد و میگفت: پس از من کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم خم شوم و بند کفشهایش را بگشایم. من شما را با آب تعمید دادم، اما او با روح القدس تعمیدتان خواهد داد. در آن روزها عیسی از ناصره جلیل آمد و بر رود اردن از یحیی تعمید گرفت. چون عیسی از آب برمی آمد در دم دید که آسمان گشوده شده و روح همچون کبوتری بر فرود می آید و ندایی از آسمان در رسید که تو پسر محبوب من هستی و من از تو خوشنودم. روح بیدرنگ عیسی را به بیابان برد. عیسی 40 روز در بیابان بود و شیطان وسوسه‌اش میکرد. او با حیوانات وحشی به سر میبرد و فرشتگان خدمتش میکردن. Investing in cryptocurrencies can be scary when it's your hard-earned money at stake. But what if you could invest something other than money? Something you actually have enough of. Nothing. Five Star presents Nothing Coin. The first ever digital coin that turns your shilling into a currency. The longer you do absolutely nothing, the more Nothing Coins you mine. And the more you can spend.
nothing has never been so valuable. So if you think crypto is our future, say hello to the future of the future. Scan the back to start mining. Eat 5-star, do nothing. हम भी नहीं चाहते कि हम अभ्यर्थियों को माने मेरे कारण किसी को तकलीफ, हम ये नहीं चाहते। आज हम बहुत व्यथित हैं, बहुत भाइयों ने इस तरह का मैसेज किया है कि अब हम दिन भर मैसेज पढ़ता रहा, कॉल भी आए, मैं कॉल किसी को नहीं उठा पा रहा हूँ। इसका कारण यही है, मेरे अंदर जवाब देने की इच्छाई शक्ति नहीं बच गई, मैं क्या जवाब। लेकिन मैं ये कहना चाहता कि अगर हमारे जो भी हमारे भाई बंधु चयन हो गया, चयनित है, उनको नहीं चाहिए, और चयन नहीं हुआ उनका काउंसलिंग का डेट भी आ गया, ठीक। हम दोनों भाई मिल करके अगर एक साथ काम करें और हम दोनों की समस्याओं को रखें। बहुत से हमारे भाइयों का ये कहना है कि सर अगर हम काउंसलिंग की बात करेंगे तो सरकार लगातार काउंसलिंग में ही करते रहेगी, हम लोग को फंसा कर रखेगी, हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देगी। ये हमारे चलित भाइयों के दिमाग में बात, मैं सब जानता हूँ कि कहाँ पर कौन सी बात दिमाग में आ रहा है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये तो 101% आप मान के चलिए कि जो अभी काउंसलिंग होगी, जो 22 तारीख को लास्ट डेट है काउंसलिंग का, उसके बाद सरकार दूसरी काउंसलिंग नहीं कराएगी। इसके पीछे रीजन भी है, उसको भी लग रहा है कि अब हम इस तरह के टाल मटोल करके ज्यादा दिन तक हम खींच कर नहीं ले जाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाद काउंसलिंग कराएंगे। तो काउंसलिंग में अगर जो भी हमारे जो भाई बच जाएंगे जिनका चयन नहीं हो पाया है या नहीं हो पाएगा, वो भी घबराएंगे, उनको कैटेगरी वाइज 7वें चरण में जोड़ करके नेक्स्ट बहाली में आप लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन ये काउंसलिंग हमें लगता है कि सरकार के द्वारा अंतिम काउंसलिंग होगी, तो हमें ये कहना है कि जब ये काउंसलिंग का डेट आ गया और नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, तो हम अलग अलग क्यों करें, हम एक साथ क्यों नहीं कर सकते। और अगर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करेंगे तो हमें मजबूती मिलेगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि चयनित वाला को हम नहीं देखना पसंद करते हैं, चयनित वाले का कहना है कि अचयनित वाले को हम देखना पसंद नहीं करते। तो मैं तो उन भाइयों और बहनों से पूछना चाहता कि क्या अगर 10 जून को भी राजेंद्र प्रसाद सिंह अगर यही बात को कहता कि नहीं हम बहाली मोर्चा को देखना नहीं पसंद करते, हम अभ्यर्थी संघ को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या दोनों संचालन एक जगह होता, नहीं होता। जब एक जगह नहीं होता तो बहाली भी नहीं होती। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि कोई किसी का दुश्मन नहीं, और उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बहुत ही मैं भावुक होकर के बोल रहा हूं। आप याद कीजिए 18 जनवरी से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, तो मेरा ये कहना है कि क्या उस समय चयनित और अचयनित था, नहीं था। उस समय सभी लोग मिलकर के हम लोग प्रयास किए और हम लोग इतनी ठंड में लगातार हम लोग एकता का परिचय दिए। जिनका चयन हुआ वो भी उस समय थे, जिनका चयन नहीं हुआ वो भी उस 18 जनवरी के आंदोलन में, उस समय तो हम लोग डिवाइड नहीं किए। तो जो अचयनित है वो भी उस समय आपको हेल्प किया, ऐसा नहीं कि आपको हेल्प नहीं मिला। और आगे पर क्रिया बढ़ाने में 18 जनवरी का जो आंदोलन हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो कहने का मतलब है कि जितना रोल हम चयनितों का है उतना ही रोल उन अचयनितों का भी जो 18 जनवरी को प्रोग्राम में शामिल हुए। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग दोनों आदमी जब मिलकर काम करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या दिक्कत हो रही। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। आज काउंसलिंग हो जाएगी 12,000 या 13,000 का, उसमें से हो सकता है कि 2,000 या 3,000 या 4,000 मैक्सिमम 4,000 नाम चम कर रहे हैं या सिलेक्शन होगा, तो अब 38 है तो 4 बढ़ जाए, हो सकता है 42,000 43,000 या 45,000 हो बात हो गए, तो फिर तो सब एक ही जगह हो गए, तो अलग अलग कहा। आज हम उनका चयन नहीं हुआ तो अचयनित कहला है,
लेकिन जिस दिन चैन हो जाएगा तो चैनित नहाने लगे। तो मेरा एक चीज कहना है, लेकिन कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि नहीं हम उसको नहीं लेंगे तो उसको नहीं गति करेंगे, उसको हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, उसका ग्रुप अलग है, वो अलग हो गया, हम अलग हो गए। तो इन सब चीजों से हम लोग अगर बच जाए और कोशिश करें कि हम लोग सबको मिल करके काम करें और सबको मिल के साथ लेकर चले, हम अचरितों को भी इन्वाइट करें कि ना भाई आप लोग भी आइए, आप लोग भी हमें साथ दीजिए, तो इसमें कौन सी बुराई हो, या इसमें लेवल लग गया है कि हम चयनित हो गए तो हम हमारा भी तो चयन हुआ, क्या मेरा चयन नहीं हुआ, क्या मुझे नियुक्ति पत्र नहीं चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं क्या मुझे नियुक्ति पत्र की जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत है, लेकिन जरूरत है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग दोनों भाई मिलकर के काम करें, बीच में डिवाइड हम लोग नहीं करें, एक दूसरे को अलग नहीं करें। और व्यक्तिगत हो सकता है कि मेरे और किसी और के बीच में कुछ बातों को लेकर व्यक्तिगत है वो टेंशन हो सकता है, लेकिन उस टेंशन को हम संगठन पर नहीं ला, हम संगठन पर नहीं ला, और हम जब इन चीजों को व्यक्तिगत जो हमारे जो मनभेद है मतभेद है उसको अगर हम संगठन पर लाएंगे तो संगठन नहीं चल पाएगा। अगर वो कहे कि वो जुड़ेगा तो हम भाग जाएंगे, वो कहेगा कि हम उसको जुड़िएगा तो हम भाग जाएंगे, तो इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। और इन चीजों को समझिए,